हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आए हो आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ गार्डन ओवरव्यू के ऊपर, जो कि सर्दी का समय आने वाला है, तो उसके मैं रिलेटेड बताऊँगा कि क्या क्या मैंने तैयारी कर ली हैं। तो देखिए, ये जो अभी सदाबहार के हैं, इनको बिनका भी कहते हैं, तो ये ख़त्म होने लगे हैं, तो इनको काट देंगे हम लोग, निकाल के रखेंगे। और मैंने देखिए, कलांचों की जो कटिंग है वो लगा दी थी, तो काफ़ी ग्रो हो गई है। और इसमें ये देखिए कि कोई सीड पड़ा रह गया था फूल का, तो वो निकल रहा है, तो देखते हैं क्या है। और उसके बाद देखिए ये अच्छे से कितने हरे भरे लग रहे हैं। और एक प्लांट में ये लेके आया था, इसका नाम नहीं पता मुझे, तो अगर आप लोगों को पता हो तो ज़रूर बताना। और हमारी मोर पंखी की देखिए कितनी अच्छी लुकिंग है, एक यहाँ पे नीचे भी है दो, और ये मेरा सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो आप जब उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो सीधे यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद देखिए बहुत चीज़ यहाँ पे मिलती है, जैसे प्लांट, इंडोर प्लांट, फ्लावर सीड, वेजिटेबल सीड, और गार्डन से रिलेटेड टूल्स, बहुत सारे कुछ मिलते हैं। और यहाँ पे देखो देखिए यहाँ पे कोकोपीट है, तो 500 ग्राम का है, तो आप यहाँ से एप्सम सॉल्ट खरीद सकते हैं, ये सब आप यहाँ से खरीद सकते हैं। और आपको यहाँ पे सर्च का बटन दिया गया है, तो सर्च के बटन पे आप क्लिक करके कोई भी आइटम यहाँ से गार्डन रिलेटेड सर्च कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोकोपीट है, और नीम खली है, बर्मी कंपोस्ट है, और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से आप जितने भी फर्टिलाइज़र हैं और सब कुछ, जैसे इस वाले में जाएंगे आप, तो देखिए इसमें बहुत सारे टॉयज़ हैं, जो टोपियाँ बनाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी अच्छे अच्छे खिलौने यहाँ पे उपलब्ध हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे यह है कि आप अगर 150 रुपये का सामान ऊपर खरीदते हैं तो आपको फ्री शिपिंग मिलता है। देखिए लिखा भी है, फ्री डिलीवरी अक्रॉस इंडिया अबव रेट 150। और यहाँ पे देखिए इंडोर प्लांट, बहुत सारे प्लांट बहुत ही चीप प्राइस में अवेलेबल हैं। देखिए बहुत ही अच्छा साइड है, तो आप यहाँ पे जाके खरीदिए। और यहाँ पे अभी चल रहा है हैवी मानसून सेल, तो सेल का फ़ायदा उठाइए और बाय कीजिए। और गुलाब की देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ निकल के आई है, जो बारिश की वजह से देख सकते हैं आप। और इधर हमारी मॉर्निंग ग्लोरी जो कि मैंने यहाँ पे लगा रखी है। और देखिए गर्मियों में क्या हुआ था कि इनके फूल छोटे होने लगे हो गए थे, अब इनके साइज़ थोड़ा बढ़ रहे हैं, तो मैंने इनमें फर्टिलाइज़र अभी डाला नहीं है। और इसमें भी देखिए कितने सारे फ्लावर आ गए हैं, ये देखिए ढेरों फ्लावर हैं, और भी बारिश निकली हुई जस्ट, तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाना चाहिए आप लोगों के लिए। और यहाँ पे देखिए ये इसकी भी ग्रोथ शुरू हो गई है, ये शायद ये ऑरेंज कलर का मैं लेके आया था, तो वो वही वाला है। और यहाँ पे देखिए अभी इनकी ग्रोथ शुरू हुई है, कलियाँ आने लगी हैं, ये देखिए। और यहाँ पे देखिए कितनी सारी इसमें भी कलियाँ हैं, अभी मैं आपको एक प्लांट दिखाऊंगा गुलाब को, उसमें एकदम ऐसी कलियाँ आई हैं कि जो ब्लूमिंग एकदम भर जाएगा। और मैंने देखी यहाँ पे इनको पूरी भी की थी कि सारे ब्रांच और ज़्यादा अलग अलग ब्रांचें आए। यहाँ पे देखिए ये देखिए बर्ड्स आने लगे, ये देखिए कितने सारे यहाँ पे आप लोग देखिए कितने सारे बर्ड्स धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं, और ये देखिए कल तक खिल जाएगा। और ये हमारा देखिए येलो कलर का था, और ये पता नहीं क्या है इसमें कि देखिए इस पहले इस कलर का रहता है येलो, फिर धीरे धीरे ऑरेंज हो जाता है, तो पता नहीं इसमें क्या चलता रहता है। तो इतने सारे हमारे पास रोज के प्लांट है, देखिए वहाँ से यहाँ तक मैंने लगा रखे हैं। और ये देखिए इसमें बहुत सारी कलियाँ हैं, एक एक गुच्छे गुच्छे में आई हैं कलियाँ, देख सकते हैं ये कितनी कलियाँ आ गई हैं, देखिए बहुत सारी कलियाँ हैं। तो इसमें एक बार ऐसा फूल आएगा कि फूलों से लग जाएगा। और हाइबिकस में भी कुछ कम नहीं है, यहाँ पे देखिए दो कलियाँ इधर, एक ये देखिए दो वहाँ पे हैं, ऐसे हैं बहुत सारी कलियाँ यहाँ पे देखी भी आ रहे हैं, ये देखिए कहाँ पे है, और यहाँ पे देखिए ये सारे खिलने वाली हैं, आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी कलियाँ ही कलियाँ हैं, ये देखिए एकदम भर गया है, जो कि ये समय लग रहा है कि कल लोग इन्हें के फूल खिल जाएंगे। तो ऐसा समय भी है, यहाँ पे भी देखिए वही हाल है, और कितना हरा भरा हो गया पानी की वजह से देख सकते हैं हम लोग। और ये शायद इसका नाम है सुखी रिद्धि सिद्धि की सुखी कुछ ऐसा इसका नाम है, दुख सुख ऐसा कुछ, दुखी सुखी कुछ नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है। और एक प्लांट देखिए मेरा कितना अच्छा है, यहाँ पे कितनी इसकी अच्छी ग्रोथ है। और ये देखिए ये मैंने लगाया था अपराजिता, जो कि ये
चढ़ने लगा है, यहाँ तक पहुँच गया है शायद, यहाँ तक पहुँच गया है। और ये मेरी मॉर्निंग ग्लोरी जो कि देखिए वहाँ तक चली जा चुकी है, अब फ्लावरिंग भी करने लगी है। और ये मेरा कनेर का जो इसमें एक ही बार फूल आया, दोबारा फूल ही नहीं आया, तो शायद अभी इसकी ग्रोथ जड़ ग्रोथ कर रही हैं इसलिए रुका हुआ है। और हिबिस्कस में बहुत सारी कलियाँ हैं, मैं इसमें फर्टिलाइज़र ज़रूर डालूँगा, तो आप लोगों को बताऊँगा कि इस टाइम बरसात में कौन सा फर्टिलाइज़र इनको डालना चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये देखिए शायद कोई कीड़े का अटैक है, तो इसको भी मैं काटने वाला हूँ। तो इस तरह का लोग देखें तो ज़रूर कट करके फेंक दें। ये कपड़ा जैसा मैंने इधर लगा रखा है कि दोनों साइड से यहाँ पे ये चढ़ता जाए। और ये देखिए कितनी सारी इसमें भी कलियाँ हैं, तो बहुत है। और मैंने हिबिस्कस के प्लांट देख सकते हैं, मैंने ऐसे लगा रखे हैं पूरा यहाँ से वहाँ तक, देखिए वहाँ तक है। और इधर कुछ मैंने ये कटिंग से ग्रो किए थे, एक ये वाला एक ये वाला, तो इनको मैं अपने दूसरी जगह लगाऊंगा। अब मेरे पास जगह है जिसे बारी कहते हैं, तो वहाँ मैं लगाऊंगा। और ये प्लांट मैं लेके आया था देखिए अशोक का, जो कि बहुत ही अच्छा है। और ये देखिए अपराजिता एक वहाँ है, और मैं गमले में लगा रखा हूँ। तो ये देखिए फूल यहाँ पे बरसात की वजह से इस तरह ख़राब हो जाते हैं ये। और ये मेरा वाइट वाला है हिबिस्कस, और इसमें भी देखिए फूल की ग्रोथ शुरू हो गई। देखिए यहाँ पे इतने सारे साइड फूल लगे हैं ये, तो देख सकते हैं। ये देखिए कि नींबू कितने अच्छे आ गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो ये वाली ये है हिबिस्कस, मैंने इसको मोटी कटिंग लगाई थी, आप देख सकते हैं इतनी मोटी, मैंने इतना मोटा कटिंग लगाया था ये देखिए। तो ये इसकी ब्रांच देखिए कितनी ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी होकर गई है, तो इसको भी मुझे प्रूनिंग करना है। और मधुमालती को क्या कहना, देखिए इसकी बिनी बिनी जो खुशबू आती है बड़ी मस्त रहती है, एकदम बहुत अच्छी खुशबू रहती है। तो कि और ये गुच्छों में फूल देती है, मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो आप लोग जाके ज़रूर देखना, और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और ये एक प्लांट मैं लेके आया था, तो मुझे लग रहा था कि ये प्लांट चलेगा नहीं, लेकिन चल गया। और फूल भी इसे बहुत ही खूबसूरत फूल रहते हैं, इस तरह के फूल आते हैं गुच्छों में। तो एक यहाँ पर खिल रहा है, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर भर जाएगा फूलों से। और बोगनविलिया में ज़बरदस्त की ग्रोथ है चल रही है, और एकदम ये फूलों से भर जाएगा, हर जगह जगह फूल आने लगे हैं। यहाँ पे देखिए ये जो हल्का का रेड दिख रहा है पत्तियाँ, ये फूल ही बनेंगे। और एक चांदनी का प्लांट यहाँ भी देखिए, कितना सुंदर फ्लावर है, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही सुंदर फ्लावर है। और मेरा एक शॉक पाम यहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छे मैंने पॉट में लगा रखा है। तो इस पॉट को कैसे बनाया जाता है, मैंने खुद घर पर बनाया है, इसका सेपरेट वीडियो मैं बनाया हूँ कि कैसे बनाते हैं, डाल रखा है चैनल पे, आप लोग जाके देख लेना। मैं इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में तो आपको मिल जाएगा। और एक मैं बात बताऊँ, देखिए ये है नीम का प्लांट, ये ऐसे ही ग्रो हो गया था तो मैंने इसको अलग लगा दिया। और एक यहाँ पर ये है, तो देखिए छोटा वाला, तो ऐसे निकलते रहते हैं। और इधर देखिए मेरा यहाँ पर जेट का प्लांट है, जो मैंने कटिंग से ग्रो किया है, तो इसकी भी मुझे प्रूनिंग करनी है साइड साइड से किए, और कटिंग मैं इसका बनाने वाला हूँ। और ये देखिए ये प्लांट बहुत ख़तरनाक मुझे लगता है, क्योंकि इसके इतने सारे देखिए ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये गिरते हैं और क्या करते हैं, सब में उगाते हैं। देखिए इसके नीचे कितना उगा है, तो ये सब में उगी जाते हैं। और मेरा फाइकस का ये है, एक ये है, तो इसको इसी में से काट के मैंने वहाँ लगाया है। और इतने सारे मैंने यहाँ से इसको इस तरह का लुक दिया यहाँ का, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, आप लोग देख सकते हैं बहुत सुंदर यहाँ का मैंने नज़ारा बना रखा है देखिए। और ये मेरा फाइकस टोपियारी, जो कि मैंने यहाँ पे देखिए दो चिड़ियों को लगा रखा है। और एक टोपियारी यहाँ पे मैंने बना रखी है, जो कि यहाँ पे मैंने हाथी लगा रखी है, उसके पे मैंने लाफिंग बुद्धा बैठा रखा है। और ये देखिए, और ये देखिए मेरी मोर पंखियाँ हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं देखने में। मैं इनको इतना छोटा छोटा लेके आया था, इतने छोटे छोटे थे, और आज देखिए इतने बड़े हो गए हैं। और ये भी देखिए एरोकेरिया हमारे हैं,
जो बहुत अब की बार में गर्मी के मौसम में इतनी तेज़ हवा की वजह से ये बार बार गिरते थे, उनकी सारी यहाँ से लीफ सारी टूट गई हैं, तो थोड़ा डैमेज हो गए हैं सब। और ये देखते हैं, तो ये देखिए ये भी प्लांट बहुत अच्छा है, यहाँ इसकी ग्रोथ ही बहुत अच्छी है। यहाँ के देखिए यहाँ से इस तरह के निकलते हैं, तो इनको आप अलग अलग ग्रोथ इनको अलग अलग आप लगा सकते हैं। देखिए कैसे हर हर सब में लीफ में इनके नीचे नीचे लटकते रहते हैं। और इधर देखिए हमारे यहाँ एलोवेरा, इनकी कोई केयर नहीं की जाती तब भी ये अच्छे से चलते रहते हैं। और मैंने इधर देखिए विंटर सीजन की तैयारी शुरू कर दी है, जो कि यहाँ पे मैंने सीड सारे विंटर के लगा दिए हैं, तो आप लोग भी लगा दीजिए इस टाइम, क्योंकि यही टाइम होता है विंटर का सीड लगाने में। क्योंकि अगर आप इस टाइम लगा देंगे तो जाके उधर नवंबर तक आपको फूल मिलने लगेंगे, सितंबर अक्टूबर नवंबर तक फूल आपको 100% अक्टूबर लास्ट तक आने शुरू हो जाते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह का लुक आता है हमारे यहाँ का। और यहाँ पे मैंने मॉस रोज लगाए थे, तो जो कि आज बहुत सारे फूल आए थे, क्योंकि पानी सुबह से बरस रहा है, अब इतनी टाइम निकला है तो सारे फूल ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए, और मैंने यहाँ पे भी कलांचुई लगा दिए हैं, देखिए कितना सुंदर सुंदर फूल है। और ये देखिए ये हमारी तुलसी माता है, और इधर ये शंकर भगवान। तो आप लोगों को एक अच्छा सा वीडियो नज़ारा दिखाते हैं, कुछ इस तरह हमारा गार्डन है। अगर गार्डन हमारा अच्छा लगे तो लाइक करना, न्यू तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इस तरह के न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बाय बाय।